हाई एवरीवान वेलकम बैक टू अनदर क्लास स्वागत है आप सभी का शाइन क्लासेस में कैसे हैं आप सब होपफुली आप सभी अच्छे हैं चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की सभी को राधे राधे जय श्री कृष्णा राम राम यहाँ पर जो क्वेश्चन हम करेंगे हिंदी के क्वेश्चन है आप सभी को दिख रहा है ऑलरेडी हम यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे ये आपके मोर देन फिफ्टी हैं क्वेश्चन एम सी क्यूज के फॉर्म में है या नहीं बहुत विकल्प ही प्रश्न है ये क्लियर है एंड वन थिंग ऑल्सो आज आपके दो सेक्शन के क्वेश्चन है फर्स्ट सेक्शन आपका जो है वो संधि विच्छेद से है मतलब संधि आपके टॉपिक में दो एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो मैंने लिए हैं एंड सेकेंड लास्ट वन जो है वो आपका समाज से है तो दो टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है तो हम ये भी क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे इवन मैं आपको नेक्स्ट डे काल का करवाऊंगी काल भी आपके सिलेबस में है तो जो लेट की पीछे की चीज़ें हैं जिन्हें हमें देखना है करना है तो वो हम ये जो हमारे डेज हैं इनमें हम जरूर कर लेंगे आइए बढ़ते हैं आगे, आगे आप जुड़े हैं मेरे साथ यहाँ पर हम डेली मिलते हैं करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की अलग अलग टॉपिक पे क्लासेज और बहुत ही कम समय में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए इतने फ्रेंड्स यहाँ पर आए हैं ताकि आपका भी एग्जाम अच्छा हो आप भी बढ़िया सभी बच्चों के साथ परफॉर्म करें बढ़िया तो रहे सबका रिजल्ट बढ़िया आए चीज़ें आपकी बढ़िया तरीके से सब कुछ परफॉर्म हो जाए तो तैयार है हर चीज़ क्लास के लिए चलिए देखते हैं किसी के कितने क्वेश्चन रहते हैं क्या यहाँ पर हम करने वाले हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे सिंपल सिंपल और जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही हम करते पेपर भी काफ़ी इजी ही आता है ठीक है देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है पढ़िए फिर ऑप्शंस का रिप्लाई करिए सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा सा प्लस उक्ति सू प्लस उगती सु प्लस उगटी सु प्लस उगती तो यहाँ पर पहले मतलब मैं एक ऑप्शन काटना चाहूँगी बाकी तीन आपके हैं ध्यान रखना ठीक है तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो इसका संधि विच्छेद होगा तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अगर आप में से किसी को पता है तो वेलनगर्ड नहीं पता है कोई बात नहीं यहाँ पर अभी भी समय है देख लीजिए दे। तो सूपटी को जब हम तोड़ेंगे सुक्ति को जब हम तोड़ेंगे संधि विच्छेद करेंगे तो ये सू प्लस उगती में टूटेगा यानी कि साग के साथ छोटे उ की मात्रा लगेगी इसीलिए आपका ये यहाँ पर कैसे होता कैसे यहाँ पर आपको ये बड़े की मात्रा दी गई जब आप इसको तोड़ तोड़ें तो ये वाला जो छोटा ऊ है ये जो ऊ है ये इसके साथ हो जाता तब जाके ये इस तरीके से बनता है लेकिन जब उसको तोड़ेंगे तो ये छोटे छोटियों की मात्रा आएगी प्लस उक्ति आएगा तो ये ऑप्शन जिन्हें ने बताया जिनने फ्रेंड्स ने बताया उनको एक नंबर आराम से मिल जाएगा और कोई और भी आएगा तब भी आपको इस प्रैक्टिस से आप आ जाएंगे नेक्स्ट आइए देखिए प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा प्रत्य प्रा प्लस ती प्लस एक प्रत्येक में प्रति प्लस एक है प्रतः प्लस प्लस एक है और प्रति प्लस एक है यहाँ पे चारों ऑप्शंस अलग अलग हैं तो चारों में कोई एक ही है जो करेक्ट होगा अब वो आप बताइए कि क्या होगा वो यहाँ पर क्या सही होगा तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए प्रति प्लस एक जो है वो सही है ठीक है तो दूसरे में डी जिन्होंने बताया उन्हें एक नंबर और बढ़िया मिलता है आगे बढ़िए नेक्स्ट देखिए संधि का अर्थ होता है मेल या विग्रह या दोनों या इनमें से कोई नहीं संधि का मतलब क्या होता है अच्छा प्रश्न है रिप्लाई ज़रा करते हुए मुझे बताएंगे आप सभी लोग कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा तो संधि का मतलब हम सभी जानते संधि मतलब जोड़ दोस्ती मिलाप तो मेल होता है एक नंबर आपको मेल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ व्यंजन संधि से परे व्यंजन सं व्यंजन ध्वनि से परे स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं व्यंजन ध्वनि से परे स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो चेंज आता है जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं क्या उसे हम व्यंजन स्वर संधि कहते हैं क्या उसे व्यंजन संधि कहते हैं क्या उसे विश्व संधि कहते हैं और इनमें से कोई नहीं तो व्यंजन ध्वनि से परे व्यंजन ध्वनि से हटकर अलग होकर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो चेंज आता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं तो ये स्वर संधि की एक प्रकार से डिफिनीशन भी हो गई है जो कि अब बहुत कम है पूछी गई है बट ये कि आपके से पूछा गया है कि कौन सी संधि है परिभाषाएँ बहुत रेयर केस में पूछी गई हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए संधि के कितने भेद होते हैं संधि के कितने भेद होते हैं बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है संधि के कितने भेद होते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा तीन भेद होते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा कितने भेद होते हैं तीन भेद होते हैं ये आपके एमसीक्यूज के फॉर्म जो प्रश्न आते हैं उसमें आपको ये देखने को व्यंजन संधि आपका स्वर संधि और विसर्ग संधि ये तीन संधियाँ होती हैं और इन तीनों के यहाँ पे आपको दिमागी और जो गुड़ या आयाद वगैरह वगैरह होते हैं वो आपके जो है और संधि के अंतर्गत आते हैं तो आपको तीन मेजर होते हैं तीनों के नाम एकदम क्लियर कट में पता होने चाहिए इसी के आगे है, है। साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन है जब दो शब्द एक दूसरे से मिलते हैं जी हाँ तो उनके मिलने के कारण ध्वनियों में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं उसे हम संधि कहते हैं उसे हम समास कहते हैं उसे हम व्यय कहते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा बेच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ़ यू तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो सही ऑप्शन है वो है संधि ठीक है क्योंकि संधि में क्या हो रहा है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं या दो शब्द हैं जो मिल रहे हैं तो एक नया शब्द बन रहा है तीसरा बन रहा है वो संधि में ही होता है ठीक है वो संधि में ही आपको देखने को मिलेगा तो राइट आंसर आपका यहाँ पर संधि होगा इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं देखिए विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं स्वर संधि कहते हैं व्यंजन संधि कहते विसर्ग कहते हैं इनमें से कोई नहीं बताइए क्या होगा राइट आंसर तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो चेंज आता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा और विसर्ग संधि की ये एक परिभाषा भी है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है छोटा और बड़ा आ से परे ए और ए हो तो दोनों मिलकर ए ए और ओ और अ हो जाता है मतलब इन सबको जब मिलाएंगे तो ए ए ओ, और अ हो जाता है तो दोनों मिलकर अ हो जाते हैं तो क्या हो उसे हम क्या कहते हैं जैसे आप गुड़ संधि स्वर संधि मैं इनके बारे में बहुत ब्रीफ में नहीं बताई इसलिए नहीं बताई क्योंकि इनसे प्रश्न जो हैं आपको रैंडमली एकदम से नहीं पूछे जाते हैं। एक से दो जरूर मिल जाते हैं अब वो एक से संधे कौन से मिले नहीं पता उसके लिए हमें देखना पड़ता है ये सिलेबस में भी नहीं है ये आउट ऑफ सिलेबस सेक्शन से है जो कि आता है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा उसको हम वृद्धि संधि कहते हैं ठीक है आपका सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा आगे बढ़ते हैं क्योंकि वृद्धि संधि में हर मात्रा डबल हो जाती है देखो यहाँ पर डबल मात्रा है इसमें भी डबल मात्रा है तो ये आपका इसीलिए वृद्धि संधि ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है अनाधिकार कौन सा संधि विच्छेद होगा अनाधिकार एक शब्द दिया गया है इसका आपको संधि विच्छेद बताना है अनह प्लस धिकार अन प्लस धिकार अन प्लस धिकार और इनमें से कोई नहीं एक अन में हलंत लगा है नीचे और एक अन में नहीं लगा तो वेरी क्लियरली आप लोग आंसर करिएगा देख के कोई जल्दी नहीं ताकि गलत ना बताइए तो यहाँ पर एग्जैक्टली exactly जो आपका संधि विच्छेद होगा वो यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा ठीक है हलंत वाला ध्यान रखिएगा गलतियाँ नहीं करिएगा इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं चलिए उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा ऑप्शन नंबर वन उत्त प्लस चारण नेक्स्ट है उत्त प्लस रण उ प्लस चारण और उ प्लस रण चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग तो टू ऑल ऑफ यू एट एत, ये एटी नंबरिंग पे मत जाना क्योंकि मैंने छाँट छाट के चीज़ें ली हुई हैं ठीक है ठीके? अब मैं इतना टाइम नहीं मिल पाया कि हर चीज़ सही से कर लूँ बट मुझे क्वेश्चन कराए थे तो मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराने का प्रयास अपनी तरफ से किया हुआ है ठीक है तो बताइए क्या होगा कौन सा ऑप्शन है तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर उत्त प्लस चारण है जैसे ए ऑप्शन जिनके भी हैं उनके बढ़िया है कोई दिक्कत ही नहीं है एक नंबर बढ़िया मिल जाएगा और ये उच्चारण वाला एक दो तो बार ही पूछा भी जा चुका है गिरीस का संधि विच्छेद क्या होगा गिरी प्लस ईस गिरी प्लस ईस गिरी प्लस ईस गिर प्लस ईस बताइए संधि विच्छेद यहाँ पर कौन सा होगा इस प्रश्न के लिए संधि विच्छेद क्या होगा कौन सा ऑप्शन है जो एकदम बढ़िया है और करेक्ट है तो जब हम ग्रीस का संधि चेक करेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट है गिरी प्लस ईस ठीक है ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते है, एक बात और कहना चाहूँगी ठंड बढ़ रही है कोहरे वगैरह हो रहे हैं तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा ठीक है नहीं तो वहाँ तक पहुँच ना पाए तो बहुत दिक्कत करेगा बहुत पैनिक होगा तो इतना थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से अंदर रह के अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए ठीक है वरना तबीयत खराब हो जाएगी और कोई फायदा नहीं होगा सारी मेहनत पानी हो जाएगी आगे बढ़िए ट्वेंटी पे आइए ट्वेंटी देखिए जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है जग प्लस नाथ ऑप्शन वन जगह प्लस नाथ ऑप्शन दो जगत प्लस नाथ ऑप्शन तीन एंड जगत प्लस नाथ एक में हलंत है और एक में नहीं है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तो ध्यान रखिएगा कि जो सही ऑप्शन है इस प्रश्न को जो पूछा जा रहा है वो यहाँ पर डी ऑप्शन आप में से, जितने स्टूडेंट बता रहे हैं उन सबका सही है तो ये आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा आगे बढ़ते हैं तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा तिर प्लस कार तिर प्लस कार तिर प्लस कार तिरी प्लस कार तो कौन सा संधि विच्छेद तिरस्कार शब्द के लिए करेक्ट है इसको बताइए और फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है क्योंकि ये दस दिन के काम को ना मुझे बीस दिन का बनाना है तो मुझे भी डबल मेहनत करनी है अपनी एनर्जी लगानी है दिमाग लगाना और अपने थ्रॉट को भी बजाना है तो ध्यान रखो ठीक है चलिए फिर फटाफट करिए भाई काम तो करना पड़ेगा काफी बेस्ट तरीके से तो लाइक तो बनता है ठीक है ईच एंड एवरी वन तो यहाँ पर ध्यान रखना सी ऑप्शन करेक्ट है सी ऑप्शन जिनके भी है उनके करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं सब कुछ सही जा रहा है आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट को देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है नीरव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा नी प्लस रहो नी प्लस रहो एक में छोटी की मात्रा एक बड़ी की मात्रा है फिर नी प्लस रक और नी प्लस रहो नीरव शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या एकदम परफेक्ट है तो ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका जो राइट आंसर है वो बी यहाँ पर सही है नी प्लस रहो ये सही है ठीक है ट्वेंटी टू में बी ऑप्शन जिनके भी हैं उनके एकदम सही है एकदम एकदम बढ़िया से करेक्ट है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चलिए निष्फल का संधि विच्छेद क्या है नी प्लस फल नी प्लस फल नी प्लस फल और नी प्लस फल निष्पल का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या है कौन सा है एकदम सही बहुत अच्छा प्रश्न है एकदम ध्यान से देखते हुए करिएगा तो ध्यान रखिएगा एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट है वो है बी ऑप्शन नी प्लस फल नीह प्लस फल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए सतीश का संधि विच्छेद क्या होगा सती प्लस ईस सती प्लस ईस एक पे देखिए और अंकुर लगा है एक पे नहीं लगा है और सती प्लस ईस सती ही प्लस ईस कौन सा ऑप्शन है जो इसके लिए करेक्ट होगा मैं जल्दी कराऊंगी छोटे छोटे क्लासेस लूँगी ताकि आप सेल्फ स्टडी जिस भी सब्जेक्ट की कर रहे हैं या जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ते रहिए सिर्फ बीच में जैसा ब्रेक लेते हैं वैसे आप क्लास में मेरे ब्रेक लेने वाले टाइम पर आइए कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी ठीक है तो ध्यान रखिएगा बताइए क्या होगा तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो ए है सती प्लस ईस जिनका भी ए है उनका करेक्ट है आगे बढ़िए प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा तो ये आई थिंक हमारा रिपीट हो गया हमने इसके पहले भी इसको देख लिया था तो प्लस एक सी ऑप्शन करेक्ट है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं परिणाम का संधि विच्छेद क्या होगा परी प्लस राम परी प्लस राम परी प्लस राम, राम और प्लस नाम राम 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 और नाम कौन सा ऑप्शन है जो परिणाम का संधि विच्छेद एकदम सही है तो राइट ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पर ये वाला ही सही विसर्ग संधि का है ठीक है तो परी प्लस राम यहाँ पर परिणाम का संधि विच्छेद होगा जो किसी ऑप्शन जिनके भी है उनके यूनिक भी हैं और, और करेक्ट भी है। आगे हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा विद्या प्लस आरथी विद्या प्लस अर्थी विद्या प्लस अर्थी विद्या प्लस अर्थी विद्या प्लस अर्थी।, अर्थी कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा इसमें विद्यार्थी शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है तो ध्यान रखेगा एक ही ऑप्शन करेक्ट है वो आपका सी है प्लस एटी सी ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं यशोदा का संधि विच्छेद क्या है यश प्लस दा यशो प्लस दा यशोह प्लस दा यशाह प्लस दा यशोदा मैया जो है बताइए कृष्ण भगवान के लल्ला है तो क्या होगा यहाँ पर बताइए 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 क्या होगा बाकी बिहारी करें आप लोग का पेपर बहुत अच्छा आए जो फर्स्ट में दिक्कतें हुई हैं वो बिल्कुल ना हो ऐसी एक इच्छा है मेरी और सभी पास तो एटलीस्ट सब हो जाए ठीक है ट्वेंटी एट में क्या होगा डी ऑप्शन कहते हैं यशाह प्लस दा यसाह प्लस द आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा स्वागत सु प्लस आगत सु प्लस आगत सो प्लस आगत सो प्लस अगत बताइए स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक ऑप्शन आपके करेक्ट है वो है सु प्लस आगत ठीक है सु प्लस आगत जिनका भी है उनका करेक्ट है आगे बढ़ते हैं होपफुली आप सभी क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे नेक्स्ट देखिए सच चरित का संधि विच्छेद क्या है सच प्लस रित और सा प्लस चरित सत्य प्लस चरित सच प्लस चरित बताइए यहाँ पर थर्टी में क्या होगा कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट होगा वो है आपका सी सत प्लस चरित ठीक है थर्टी में सी जिनके भी उनके ऑलमोस्ट करेक्ट है आगे बढ़िए विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है उज्ज्वल रेखांकित तथ्य और दुष्कर्म यहाँ पर शब्द भी आएंगे ये जो नहीं कि सारे आपको संधि में छेद तोड़ने वाले ही आएंगे ठीक है आप लोग वैसे भी तोड़ने फोड़ने में बहुत आगे हो ठीक है झगड़ा लड़ाई करने में बहुत आगे हो लेकिन अब वो सब बंद कर दो तो बताओ इसमें क्या होगा विसर्ग संधि का जो एग्जाम्पल है वो दुष्कर्म होगा ठीक है दुः प्लस कर्म बराबर दुष्कर्म होता है इसीलिए विसर्ग संधि में विसर्ग लगेगा आगे बढ़िए निर्मल का संधि बताइए नी प्लस 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 मल 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 नी मल, मल, नी 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 और नी दोनों में फर्क है तो यहाँ पर बताइए कि राइट आंसर क्या होगा कौन सा ऑप्शन है जो आप सही बता रहे हैं कि ये इसके लिए सही होगा तो ध्यान रखिएगा जो सही है वो ए ऑप्शन है नी प्लस मल ए ऑप्शन जिनके भी है उनके करेक्ट है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा वी प्लस आकुल वी प्लस आकुल वी प्लस आकुल वी प्लस अकुल व्याकुल का जो संधि विच्छेद है वो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा तो राइट ऑप्शन जो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा वो आपका बी है वी प्लस आकुल ठीक है बी ऑप्शन जिसका भी था उनका करेक्ट है नेक्स्ट देखिए संस्मरण का संधि विच्छेद क्या है सम प्लस समर और सम प्लस समर और सम प्लस समर सम प्लस समर सम बताइए थर्टी सेवन तब का मतलब सेक्शन ये छोड़ दो बताओ सवाल क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा तो यहाँ पर इसका जो सही है वो आपका सी है सम प्लस समर ठीक है सम प्लस समर जो भी बता रहे हैं हाँ सम प्लस समर सही है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा स्वा प्लस इच्छा स्वा प्लस अच्छा स्वाह प्लस अच्छा स्वा प्लस अच्छा स्वेच्छा का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा तो राइट ऑप्शन जो इसका है वो डी है स्वा प्लस इच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा मनोरथ का मना प्लस रथ मनो प्लस था मनो प्लस रथ और मनोप्लस ओरथ मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा सी ऑप्शन करे मना प्लस रथ ठीक है मना प्लस रथ जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है देवेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा देव प्लस ईस देव प्लस ईस और हाँ ठीक है देवता ये दोनों अलग अलग है उसके बाद देव प्लस ईस देवेश का संधि विच्छेद क्या होगा तो राइट ऑप्शन देव प्लस ईस्ट होगा रंकुरा वाला होता है ध्यान रखिएगा आगे बढ़िए नेक्स्ट देखिए नयन का संधि विचय ये बहुत बार पेपर में ये नयन पवन पावक ये बहुत पूछा गया है बताइए यहाँ पर नयन का संधि विच्छेद क्या होगा ने प्लस अन ने प्लस अयन ने प्लस इन ने प्लस अन ने प्लस एन तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा नयन सब का संधि विच्छेद ने प्लस अन होगा सी ऑप्शन जिनका भी है उनका करेक्ट है इसके लिए आगे बढ़ते हैं सूर्य उदय का संधि विच्छेद क्या होगा सूर्य प्लस दय सूर्य प्लस उदय सूर्या प्लस उदय सूर्य प्लस उदय यहाँ पे सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा तो एक ही ऑप्शन है वो है आपका बी ऑप्शन सूर्य प्लस उदय ये करेक्ट है तो इतने प्रश्न यहाँ पर ये हो गया आगे बढ़िए अब मुझे लगता है फ्रेंड देखो सोलह मिनट की क्लास लगभग हो रही है और छियालीस मतलब तो छियालीस नहीं कहेंगे लेकिन जितना था इतना मैंने यहाँ पर फटाफट करा आप है समाज को समाज भी देख लो ताकि ये भी टॉपिक आपका कवर रहे चलिए बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास है अब कर्मधराय समासुब्री समाज है द्वंद समाज है, है अब वैभाव समास है तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आप ये यथाशक्ति है ये आपका उपसर्ग लग रहा है तो ये यहाँ पर अभ्य भाव समास होगा ठीक है अति नी आ ऐसे शब्द जब आगे रहते हैं किसी के शब्द के आगे उपसर्ग की तरह जुड़ते हैं तो वो हमारे अव्यय भाव समास में आते हैं तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा आगे बढ़िए देवकन्या में कौन सा समास है कर्मधारय समास समास तत्पुरुष समास है द्वंद्व समास है और अव्यय भाव समास है देव कन्या तो ध्यान रखिएगा देवों के लिए कन्या या देवों की कन्या तो यहाँ पर ध्यान रखना आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा तत्पुरुष समाज के भी आठ भेद होते हैं ना कर्म तत्पुरुष कर तत्पुरुष कारक करण संप्रदान अपदान सब तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका तत्पुरुष समास में आएगा मोस्टली तत्पुरुष समास में ही हमारे होते हैं आगे बढ़िए विद्या अनुराग का कौन सा समास है विद्या क्या कहते हैं द्व्य समास है अवैध भाव कर्म धना और तत्पुरुष समास बताइए अच्छा प्रश्न है फिलहाल ये भी क्वेश्चन तो मेरे फिलहाल सभी अच्छे हैं आपका रिप्लाई करना बनता है तो यहाँ पर ध्यान रखें विद्या के लिए अनुराग टी ऑप्शन करेक्ट है तत्पुरुष समास इसमें भी होगा आगे बढ़ते हैं हैं नेक्स्ट देखते दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है उसे समस्त पद या उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं उसको समास कहते हैं उसको संधि कहते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है राइट आंसर का रिप्लाई करते हुए आप आगे बढ़िए और बताइए कि क्या होगा ये एक परिभाषा भी यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है तो ध्यान रखिएगा उसे हम समास कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से मिलने से जो एक नया शब्द या नया पद बनता है उसको हम समास कहते हैं समास की यही परिभाषा ही होती है आगे बढ़िए समास कितने भेद होते हैं हम सभी जानते हैं समास के छः भेद होते हैं छों के नाम आपको पता होने छओ के एक एक दो दो एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए सबकी परिभाषा आपको आनी चाहिए क्योंकि बहुत ही आस्किंग टॉपिक है जिससे पूछा जाता है क्वेश्चन आगे बढ़िए जिस समाज के दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं द्वंद्व समाज दुर्ग समाज कर्मधराय समाज अभ्यव समाज के दोनों पद हर हर समाज में लगभग दो पद होते हैं ऐसा कौन सा समाज है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर होगा द्वंद्व समाज जैसे माता और पिता तो दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समाज वही होता है और योजक चिन्ह भी लगा रहता है जो कि पहचान के तौर पर हम जानते हैं आगे बढ़िए नेक्स्ट देखिए जिस समस्त जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त शब्द है की समुदाय को सूचना देता उसे हम क्या कहते द्वंद समाज दुख समाज दराय और अभेभाव भाव समाज बताइए क्या होगा एक बात जब संख्या पहला पद संख्या है जिसमें तिराहा चौराहा तिगुना चौगुना ऐसा कुछ आ रहा है तो तुरंत दुग्ध समास होगा कुछ आपको इफ पट करना ही नहीं है आपको सेवन इसमें बी ऑप्शन लगा संख्या अगर दिखती है आ तो ही आगे तो तुरंत दुग्ध ही होगा नेक्स्ट आइए जिस समस्त खंड के जिस समस्त पद के खंड विषय विशे, विशेषण और उपमान उपमेय होते हैं जिस समस्त पद के खंड विषय विशेष विशेषण और उपमेय उपमान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम द्व समास 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 और भाव समास राइट right आंसर यहाँ पर क्या होगा तो ध्यान रखेगा उसमें राइट आंसर हम कहते हैं वो कर्म दराय समान उसमें उपमेय उपमेय और उपमान मतलब जैसे कमल के समान चंद्रमा के समान जो तो, तो उप के समान की चीजें वगैरह जो होती हैं का सासी से के समान के लिए तो ये सब जो है हमारा उसमें आता है ठीक है तो उपमेय और उपमान में मतलब तो उसके मुख आपका मुख चंद्रमा के समान इस तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपके धराय में ही आती हैं तो परिभाषा और उदाहरण दोनों पता होने चाहिए क्योंकि पेपर में आया हुआ है आगे बढ़िए जिस समस्त पद में पहला पद प्रधान हो और प्रथम पद के कारक चिन्ह का लोप होता है उसे हम क्या कहते हैं द्वंद समाज दुख समाज कर्म धराता दूसरा अच्छा प्रश्न पढ़िए जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो और प्रथम पद के कारक चिन्ह का लोप हो उसे हम क्या कहते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा उसे हम क्या कहते हैं चलिए बताइए क्या होगा तो ध्यान से समझते हुए चलिए तो तत्पुरुष समाज कहते हैं ठीक है उसे हम तत्पुरुष समाज कहते हैं आगे बढ़िए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं जैसे राजगृह तो राजा का घर तो राजगिरी लिखा है राजा का घर है तो का वहाँ पर जो है वो आपके तत्पुरुष में आ जाएगा इस तरीके से आगे बढ़िए जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उत्तर पद के साथ जुड़कर पूरे पद को अव्यय बना दे उसे हम क्या कहते हैं ध्वन समास कहते हैं दुख कहते हैं धर्म कर्म धराय और अव्यवह चारों ऑप्शन आपको दिया गया यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा तो ध्यान रखेगा पूर्व पद अव्यय होता है तो वो आपको पता होना चाहिए वो हमारा अव्यय भाव समास होता है यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए ठीक है आगे बढ़िए जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वर दोनों ही पद अन्य संज्ञा शब्द के विशेषण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें द्वंद कहते हैं दुःख कहते हैं कमधरा कहते हैं और समास कहते हैं ये भी प्रश्न काफी बढ़िया है बताइए क्या होगा तो राइट आंसर पता है ये बाहुबरी समास होता है बहुबरी समास कोई ना कोई परिभा किसी की वो होती है पर्यायवाची होती है और जो योग शब्द होता है वो बहुबरी समास होता है तो ये आपको ध्यान रखना होगा आगे बढ़िए नेक्स्ट देखते हैं आजीवन में कौन सा समास है अवैभाव समाज द्विग्ध समास, समास कर्मधरा समाज और बहुबरी समाज आजीवन एक शब्द दिया है पूछ रहा है कि कौन सा समास है तो आजीवन यहाँ पर एक बहुबरी समास है नहीं 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 अव्यय भाव समास है ठीक है अव्यय भाव समास है आगे बढ़िए नेक्स्ट देखिए उत्तरोत्तर में कौन सा समास है उत्तरोत्तर में कौन सा समास है अव्यय भाव समास द्विक समास और कर्मधराया और बहुबरी उत्तरोत्तर एक शब्द दिया गया पूछा है पूछ कौन सा समास है तो ध्यान रखेगा ये भी आपका जो है भाव समास ही थी है ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है पद चिन्ह में कौन सा समास है पद चिन्ह में कौन सा समास है द्वंद्व है द्विग है कर्मदराय और ये ये कुछ भी नहीं है यही तत्पुरुष है ठीक है पद के लिए चिन्ह आगे बढ़िए निडर में कौन सा समास है निडर में कौन सा समास है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अवय भाव समास है कर्मदराय बहुव्रीहि का को तो कोई सवाल ही नहीं उठता है आगे बढ़ते हैं पुरुषोत्तम में कौन सा समास है पुरुषों में उत्तम अब तत्पुरुष है बहुव्रीहि पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास है तो ये भी अच्छा प्रश्न है तो राइट आंसर यहाँ पर होगा जो सही है वो है तत्पुरुष समास पुरुषों में उत्तम ठीक है कर्ता ने कर्म को करण से इस तरीके के जो कारक के चिन्ह होते हैं वो तत्पुरुष में सारे के सारे आते हैं इसी तत्पुरुष में गिना जाता है राजा रानी में कौन सा समास है राजा और रानी में कौन सा समास है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है वो भी द्वंद आपको बोला ही कि वहाँ पर योजक चिन्ह बीच में लगा हुआ दोनों पद प्रधान होते हैं वो हमारे द्वंद समास में ही काउंट किए जाते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं सास ससुर में कौन सा समास है तो यहाँ पर द्वंद्व दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों का योजक चिन्ह भी लगा है आगे बढ़िए दशरथ में कौन सा समास है दशरथ में कौन सा समास है बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर बताइए क्या होगा तो राइट आंसर जो है वो है बहुबरी ऑप्शन जिनके भी है उनके यहाँ पर करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है नंबर आपको बढ़िया मिल जाएगा आगे बढ़िए फल फूल में कौन सा समास है हम सभी जानते हैं द्वंद्व समास होगा ठीक है फल फूल योजक चिन्ह लगा है दोनों पद प्रधान है तो ये आपका द्वंद्व समास में ही आएगा आगे बढ़िए पंचकौड़ी में कौन सा समास है पंचकौड़ी में कौन सा समास है अच्छा प्रश्न है तो ध्यान रखिएगा हमने आपको पहले ही बोला था कि जहाँ पर भी संख्या की कोई बात आती वो हमेशा दिग्ग होता और आपको कुछ काउंट ही नहीं करना है ठीक है तो बी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका करेक्ट है आगे बढ़ते हैं रहस्यमय में, में कौन सा समास है रहस्यमय एक शब्द दिया है और कह रहा है कि इसका हमको जो है आप समास बता दो तो अब आप मुझे इसका समास बताइए कि यहाँ पर क्या होगा तो ध्यान रखिएगा ठीक है रहस्य से भरा हुआ यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा सी ऑप्शन जिनका भी है उनका यहाँ पर करेक्ट है रेल यात्रा में कौन सा समास है रेल यात्रा में कौन सा समास है अच्छा प्रश्न है बताइए मैं भी लगातार बोल रही हूँ फ्रेंड्स आते जाते लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा सभी लोग इतना ध्यान रखिएगा कई मज़ेदार प्रश्न यहाँ पर हो जाएंगे तो रेल यात्रा है रेल के लिए यात्रा यहाँ पर सी ऑप्शन होगा तत्पुरुष समास है तो फ्रेंड्स आज की क्लास करना चाहेंगे अब हम ओवर जितना क्वेश्चन था मैंने कराया समास भी हो गया संधि भी होगा और आपकी पच्चीस मिनट की काफ़ी अच्छी अच्छी क्लास भी होगी उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी आपने दोनों क्वेश्चन को काफ़ी इन्जॉय किया था बाकी और भी क्वेश्चन आपके इस तरह के सेक्शन से मैं आपको करवा दूंगी काल के और भी जो भी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगी क्लास अगर पसंद आई लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा टेलीग्राम को ज्वाइन करें ये आपको पी डी वहाँ पर मिल जाएगा जो भी पी डी एफ इंपॉर्टेंट जहाँ पर भी हो रहा है वो आप सभी को अवेलेबल करा दिया जाएगा बाकी और भी चीज़ें आपको क्वेश्चन मिल रही बहुत कुछ दिया जा रहा है टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिला है मिलते हैं नेक्स्ट में पढ़ाई करते रहिए बाय बाय टेक केयर यू सून बेस्ट ऑफ लक